हेलो फ्रेंड्स, वक्त हमारे यूट्यूब चैनल पर PST न्यूज पर। आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली वेदर टुडे। गर्मी से फिर बढ़ेगा दिल्ली का पारा, सामान्य से 3 डिग्री ऊपर रहा तापमान, वर्ष के नहीं आसार। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय मानसून रेखा मुख्य तौर पर राजस्थान के दक्षिण हिस्से से मध्य प्रदेश की ओर बनी हुई है। फिलहाल कोई पश्चिम डिस्टर्बेंस भी सक्रिय नहीं है, इसलिए NCR में बरसात की गतिविधियां कम हो रही हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों हुई बरसात से मौसम में बनी नमी के चलते उमस भरी गर्मी भी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानसून रेखा के थोड़ा दूर होते ही वर्षा क्या थमी, उमस भरी गर्मी ने एकदम ने जोर पकड़ लिया। बृहस्पति को दिन भर खिली रही धूप के बीच लोग पसीने से बेहाल रहे। दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर रहा। शुक्रवार को भी मौसम कमबोज ऐसा ही रहने के आसार हैं। बृहस्पति को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 88 से 55% तक रहा है। आपको बता दें, मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय मानसून रेखा मुख्य तौर पर राजस्थान के दक्षिण हिस्से में मध्य प्रदेश की ओर बनी हुई है। फिलहाल कोई पश्चिम डिस्टर्बेंस सक्रिय नहीं है। दूसरी तरफ पिछले दिन हुई बरसात से मौसम में नमी बने के चलते उमस भरी गर्मी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी बादलों की आवाजाही बना रहेगी। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा की गति 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी रह सकती है। वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।